इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। ये इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने है, क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है, 6 पन्नों की ये चार्जशीट को दाखिल किया गया है एनसीबी की तरफ से, और इस चार्जशीट में 14 लोगों का नाम शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। इस पर अब इस केस पर आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने क्रूज पर रेड की थी, जिसके बाद क्रूज में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आर्यन खान भी शामिल थे। हालांकि कुछ समय के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, और अब इस केस में एनसीबी ने 6 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल किया है, जिसके बाद इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। इसको लेकर आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां एनसीबी की 6 पन्नों की चार्जशीट में 14 लोगों का नाम है, जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं शामिल किया गया है, यानी आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी।